अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अरुणाचल के सियांग जिले में यह हादसा हुआ है। सियांग जिले के सिंगिंग गांव में ALH हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हादसे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे दो ALH और एक MI-17 हेलीकॉप्टर। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में हादसा हुआ है। हादसे के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू मिशन में इस वक्त 3 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है, एक MI-17 और 2 ALH हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू मिशन लगाया गया है। हालांकि अभी इसमें और ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। जानकारी है कि तूतिंग हेडक्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरने के बाद यह हादसा सामने आया। अंजू इस वक्त हमारे साथ है पूरी जानकारी के साथ। अंजू, आपके पास क्या जानकारी है, कैसे हादसा हुआ है और अभी जो रेस्क्यू की जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर क्या अपडेट? ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि बीते दिनों चीता हेलीकॉप्टर था जो कि आर्मी का था, उसका भी इसी एरिया के पास हादसा हुआ था और अभी ये हेलीकॉप्टर जो हुआ ये टूटिंग हेडक्वार्टर के पास करीब 25 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को जो उड़ा रहे थे करीब इसमें 2 पायलट सवार थे और जब ये हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरा तो इस हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे उन्होंने मेडे कॉल इनिशिएट करने की भी कोशिश की। यानी कि जब कोई इमरजेंसी होती है तो इस तरह की कॉल की जाती है और इसने जो उड़ान भरी थी ये लीका वाली जो एरिया है वहां से उड़ान भरी थी और फिलहाल सर्च ऑपरेशन के लिए जो टीम है वो भेज दी गई है। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगी कि 2 आर्मी के ALH हेलीकॉप्टर भेजे गए और वहीं एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर है वो भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये इस जो ऑपरेशन हुआ उसमें ये भी निकालने की कोशिश होगी कि क्या वजह रही, क्यों ये हादसा हुआ, क्योंकि बीते दिनों भी जो नॉर्थ ईस्ट का ये एरिया था वहाँ पर। अंजू, बहुत क्विक, दोनों पायलट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक? क्यों एक के बाद एक इस तरीके के हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं जी? अंजू, बहुत क्विक, दोनों पायलट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है सेना की तरफ से? नहीं, अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान आर्मी की। शुक्रिया आपका अंजू इस पूरी जानकारी के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।